नमस्कार, मैं अनुष्का जोशी देशोन्नति न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं देशोन्नति तरफ आयोजित मनस्विनी कार्यक्रम में और आज हमारे साथ है कोमल साधवानी मैम। नमस्ते मैम, आज इन्हें पुरस्कार मिला है तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आपको ये पुरस्कार मिलकर कैसा लग रहा है और आप मनस्विनी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये पुरस्कार पाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि एक महिला होकर मैं घर भी संभालती हूँ और अपने देश को भी देश का भी ध्यान करती हूँ, समाज का ध्यान करती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैम, आप समाज सेवा में हैं, ये बहुत प्रेरणादायक है सबके लिए और खास करके स्त्रियों के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप समाज सेवा और घर दोनों कैसे बैलेंस करती है, कैसे संभालती है? आज की स्त्रियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिंधी सोशल महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ और घर में भी मेरा बहुत नाम है, घर भी बहुत अच्छे से संभालती हूँ। जो भी मुझे समय मिलता है मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, जितना भी समय मिलता है उसमें मैं अपना मनपसंद प्रोग्राम भी देखती हूँ, अगर सत्संग जाना रहा वो भी करती हूँ, और टाइम वेस्ट करना टीवी देखना और गंदे प्रोग्राम देखना बिल्कुल भी नहीं करती। और बच्चों को भी अच्छे अच्छे संस्कार देना, मेरा बेटा साइंटिस्ट है US में, वो अभी आया हुआ था यहाँ पर, और मेरी भी छोटी बेटी डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और बड़ी बेटी डेंटिस्ट है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी आप बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, तो खास करके स्त्री शक्ति को ना, बेटियाँ जो है अपनी उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दीजिए और अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो समाज को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छा संदेश दिया मैम आपने कि बेटियों को भी समाज सेवा में जाना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपका मनोगत जान के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मनस्विनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें पुरस्कार दिया, हमको प्राउड फील हो रहा है। धन्यवाद मैम। ब्यूरो रिपोर्ट देशोन्नति।